हेलो एवरीवन, टुडे टुडे द टॉपिक इज द लिविंग वर्ल्ड। मैंने लास्ट क्लास में जो है ना आपको वोकैबुलरी करवाई थी, आज मैं ना आपको लिविंग वर्ल्ड करवा दूँ। ठीक है, इसके कुछ पार्ट तो मैं पहले करवा चुकी थी। ठीक है, क्लासिफिकेशन तक करवा दिया था। ठीक है, अब इससे आगे आता है टैक्सोनॉमी। क्या आता है? टैक्सोनॉमी। देखो टैक्सोनॉमी क्या होता है? ये होता है, हम कह सकते हैं, इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। इसकी स्टडी को हम टैक्सोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? इट इज द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन और नोमेनक्लेचर। या हम कह सकते हैं ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर डिस्क्राइब्ड इनटू डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो हम इसको ये भी बोल सकते हैं, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्क्राइब्ड इंटू अ डिफरेंट टैक्सा इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये जो टैक्सोनॉमी जो टर्म है, या हम कह सकते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसे बोलते हैं? कार्लस लिनियस। किसे बोलते हैं फादर ऑफ टैक्सोनॉमी? कार्लस लिनियस। ठीक है, तो टैक्सोनॉमी क्या बताया? जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर वो डिफरेंट टैक्सा के अंदर रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? टैक्सोनॉमी। ठीक है, तो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी लिखो, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कार्लस लिनियस। लिखो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी क्या है? कार्लस लिनियस। ठीक है, ये क्या है? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। ठीक है, टैक्सोनॉमी हो गया। ठीक है, इसके किस किस हम कह सकते हैं एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के बेस पर भी जो है ना अलग अलग टैक्सा में उनको रखे जा सकते हैं। ठीक है, या स्ट्रक्चरल जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बेस पर भी। ठीक है, तो ये क्या है आपका? टैक्सोनॉमी। ठीक है, उसके बाद आता है आपका सिस्टमैटिक। क्या आता है? सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक देखो क्या होता है, देखो सिस्टमैटिक सबसे पहले समझो क्या है। ये किससे डिराइव हुआ है? ये एक लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। इट इज डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड दैट इज सिस्टमा, जो कि क्या है? सिस्टमा। ठीक है, अब कार्लस लिनियस ने एक बुक लिखी थी जिसको बोलते हैं सिस्टमा नेचुरे। क्या बोलते हैं? सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, अब देखो सिस्टमैटिक क्या होता है? सिस्टमैटिक होता है ऑल अरेंजमेंट, यानी कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट में अगर हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक। अब देखो हम क्या लिख सकते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ठीक है, तो सिस्टमैटिक समझ आया? ये किससे डिराइव हुआ है? लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है जिसको बोलते हैं सिस्टमा, और इसका मतलब क्या होता है? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। ओके, अब मैंने बताया, या इसको बोल सकते हैं सिस्टमैटिक्स भी। ओके, सिस्टमैटिक्स। अब मैंने बताया जो सिस्टमैटिक्स है इस पर जो है ना कार्लस लिनियस ने एक बुक लिखी और जो कि क्या थी? सिस्टमा नेचुरे। क्या थी? सिस्टमा नेचुरे। ठीक है, तो इस बुक के अंदर पब्लिकेशन किया हुआ किसका? सिस्टमैटिक्स का। समझ गए? सिस्टमैटिक क्या बताया? लैटिन वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, डेट इज सिस्टमा। ठीक है, उसके बाद कार्लस लिनियस ने सिस्टमा नेचुरे बुक में इसका पब्लिकेशन किया है। ठीक है, और मैंने बताया सिस्टमैटिक होता क्या है? सिस्टमैटिक होता है सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड सिस्टमैटिक। समझ आ गया? अब इसके बाद आता है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की। देखो क्या होती है टैक्सोनॉमिकल हायरार्की? टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, देखो टैक्सोनॉमिकल हायरार्की क्या होती है? देखो इसके अंदर आता है आपका स्पीसीज, जीनस, फैमिली।
ठीक है, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और क्या आएगा आपका, देन किंगडम, समझ गए। तो ये पूरी की पूरी जो टोटल है उसको क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, क्या बोलते हैं, टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। तो अब देखो, लिखो स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, उसके बाद आएगी आपकी क्लास, देन फाइलम या डिवीजन बोल सकते हो, उसके बाद आएगा आपका किंगडम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल कैटेगरी, ये सारी सारी कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट क्या कर, तो पूरे टुगेदर सारी सारी करती मिलकर क्या बनाते हैं आपकी टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ऑल कैटेगरी टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट एंड फॉर्म टैक्सोनॉमिकल हायरार्की, समझ गए। ठीक है, अब देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, इसको याद कैसे रखोगे, इसको याद रखने की भी ट्रिक होती है। सबसे पहले ये देखो, मान लो अगर हम एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ले, कोई भी एक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन ले, उसको क्या बोलोगे, टैक्सोन, क्या बोलोगे, टैक्सोन, ठीक है। टैक्सोन हम कह सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड टैक्सोन या टैक्सा बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब इसकी शॉर्ट फॉर्म देखो या शॉर्ट ट्रिक देखो, इसको कैसे याद रखोगे, तो कैसे याद रख सकते हो इसको, देखो लिखो यहाँ कितने दिनों क्लास ओवर होने के बाद फिल्म देखने गए सब, ठीक है। अब देखो यहाँ एस, एस किसके लिए है, एस फॉर स्पीसीज के लिए यूज किया है, ठीक है। जी, जी फॉर जीनस, ठीक है। एफ, एफ फॉर फैमिली, ठीक है। ओ, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है। डी, डी फॉर यहाँ फाइलम या डिवीजन भी हो सकता है ना, ये डी फॉर डिवीजन, ठीक है। के, कितने, यानी कि के फॉर किंगडम, समझ गए। तो कितने दिनों क्लास ओवर होने के बाद फिल्म देखने गए सब, ये ट्रिक याद रखना, ठीक है। ट्रिक देखो, एस फॉर स्पीसीज, जी फॉर जीनस, एफ फॉर फैमिली, ओ फॉर ऑर्डर, ठीक है, डी फॉर डिवीजन, ठीक है। क्लास तो यही है ही, बिल्कुल सेम, सी फॉर क्लास या यहाँ है ही, सीधा के सीधा कितने दिनों क्लास, ठीक है, कितने दिनों क्लास ओवर होने के बाद फिल्म देखने गए सब, डी फॉर डिवीजन और के फॉर किंगडम, समझ आ गई ये ट्रिक, याद हो जाएगी आराम से, आसानी है ना, कि कितने दिनों क्लास ओवर होने के बाद फिल्म देखने गए सब, ठीक है। ओके, आप देखो नेक्स्ट, अगला आता है आपका स्पीसीज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सबसे छोटे से स्पीसीज से, ठीक है। तो स्पीसीज देखो क्या होता है, स्पीसीज होता है अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म या अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज, ठीक है। अगर मैं बात करूँ, मान लो आपने हॉर्स और डोंकी ले लिया, दोनों तो अलग अलग स्पीसीज है ना, उनके कोई सेम, उनमें कोई सिमिलरिटीज है, ठीक है, दोनों अलग अलग स्पीसीज है, तो दोनों इंटरप्रिट क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना, ठीक है। तो इसमें स्पीसीज तो क्या होता है, स्पीसीज होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज। एग्जाम्पल देखो, जैसे मैंगीफेरा इंडिका ले लिया, मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो स्पीसीज कौन सी आई इसकी, इंडिका, कौन सी हुई, इंडिका, होमो सेपियंस, स्पीसीज कौन सी होगी आपकी, सेपियंस, समझ आ गया। स्पीसीज क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलरिटीज इज कॉल्ड स्पीसीज, दैट इज मैंगीफेरा इंडिका, और स्पीसीज क्या हुई इसकी, इंडिका, ओके। देन नेक्स्ट देखो,
उसके बाद आता आपका जीनस, क्या आएगा जीनस। जीनस देखो क्या होता है, जीनस होता है हम कह सकते हैं अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद सम कॉमन कैरेक्टर्स। अब वो कैसे, देखो एग्जांपल देखो इसका, हमने ले लिया जैसे लाइन, लाइन का साइंटिफिक नेम लिखो, लाइन का साइंटिफिक नेम होता है पैंथेरा लियो। अगर मैं बात करूं आपकी लियोपार्ड की, लियोपार्ड का साइंटिफिक नेम क्या होता है पैंथेरा पार्डस। तो अब देखो पैंथेरा पैंथेरा जीनस क्या है, सेम है, मतलब क्या ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद सम कॉमन कैरेक्टर्स, तो उसको क्या बोलते हैं जीनस, ठीक है। या हम ले ले टाइगर, तो उसका भी क्या होगा पैंथेरा पिग्रिस। तो मतलब पैंथेरा क्या है, जीनस क्या है, इनका सेम है, तो मतलब कुछ कैरेक्टर्स सेम होंगे, तो ग्रुप ऑफ स्पीसीज विद सम कॉमन कैरेक्टर्स आर कॉल्ड जीनस। समझ आ गया जीनस क्या बताया।